हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में साउथ के सुपरस्टार सूर्या और बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पठानी की अपकमिंग फिल्म सूर्या 42 से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, सूर्या शिव कुमार और दिशा पठानी की फिल्म सूर्या 42 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वहीं हम आपको बताते चले तो इस मूवी का डायरेक्शन शिवा कर रहे हैं, जो एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। इस मेगा बजट मूवी को तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है। वहीं अब इसके OTT राइट्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो सूर्या 42 के हिंदी राइट्स की डील करोड़ों में हुई है। एक लीडिंग टेब्लॉइड के रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्या 42 मूवी के राइट्स पैन स्टूडियोज जयंतीलाल गद्दा ने 100 करोड़ रुपए में खरीदी है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब तक की सभी तमिल फिल्मों के राइट्स में से सबसे महंगी डील है। साथ ही तमिल सुपरस्टार सूर्या की भी अब तक की सभी फिल्मों में से सबसे महंगी डील है। सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि पैन इंडिया ने इस 100 करोड़ी डील में सूर्या 42 के सैटेलाइट्स, थिएट्रिकल और डिजिटल सभी हिंदी राइट्स खरीद लिए हैं। वहीं मेकर्स सूर्या 42 को बनाने में जी जान लगा रहे हैं। डायरेक्टर शिवा ने भी फिल्म को बनाने के लिए कमर कस ली है। फिल्म का बजट तकरीबन 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मूवी में सूर्या के अपोजिट दिशा पठानी लीड रोल में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद ये मूवी के लिए फैंस की एक्साइटमेंट और ज़्यादा हाई हो गई है। वहीं हम आपको बताते चले तो तमिल सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने साल 2022 में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जिसमें विक्रम और ईटी शामिल है। ऐसे में एक्टर और उनके फैन को भी साल 2023 से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो सूर्या 42 फिल्म को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे इस फिल्म से जुड़ी कोई भी खबरें आएंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, सूर्या और दिशा पठानी की फिल्म सूर्या 42 को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।